मुल्ला मदनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सर एक बात बताइए कि क्या हिंदू लोग सिर्फ बीजेपी में ही हैं? दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में मुल्ला मौलियों इकट्ठे करके ये मदनी चाचा भतीजा कर रहे हैं। इनके जो चेहरे के ऊपर से जो नकाब था उतर गया है, और वहाँ पर हमारे कुछ संत भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो उस कारण से वहाँ पहुँच गए। संतों को बिठा करके बुला करके ये कहना कि ना राम हुए, ना कृष्ण हुए, ना ब्रह्मा हुए, ना महेश हुए, सिर्फ इस्लाम ही हुआ है और इस्लाम से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, तो खुल्लम खुल्ला ये करोड़ों करोड़ों सनातन को हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का खुला खुला अपमान है। हम सब जैनी हैं, हम सब वैष्णव हैं। मदनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सर 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 एक बात बताइए कि क्या हिंदू लोग सिर्फ बीजेपी में ही हैं? सर एक क्वेश्चन, कांग्रेस में भी जैसे कांग्रेस पार्टी में भी है, आप सिर्फ बीजेपी को प्रमोट? मदनी कांग्रेस का सांसद रहा है, मदनी कांग्रेस राज्यसभा सांसद रहा है। ये वही मदनी है जिसने नुपुर के मैटर के ऊपर अरब कंट्रियों को हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया था। ये यहाँ खा करके और यहाँ की ही बगावत करते हैं और इस्लाम में जाकर के कंट्रियों में हमारे देश का मान और सम्मान नीचा करते हैं, यहाँ खाते हैं और यहाँ ही बुलाते हैं। ये हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। हम मनमोहन सिंह की बात भी कर रहे हैं जिन्होंने लाल किले से खड़ा होकर के कहा था जितनी सरकारी सुविधाएं हैं उनके ऊपर पहला हक मुसलमानों का है। वही प्रधानमंत्री थे, ये भी प्रधानमंत्री हैं। सर एक क्वेश्चन, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हिंदुत्व के ऊपर बात आती है, ठीक है, और अगर आप मुस्लिम के ऊपर बात करते तो वो एकदम से इकट्ठे होकर हिंदू इलाके को ख़त्म करने के ऊपर लग जाते हैं, लेकिन वहीं अगर एक परिवार एक जगह पे अगर मुसलमान इलाका है वहाँ पे हिंदू चुपचाप छुपचाप सुनता रहता है, लेकिन अगर बात सुनी जाए ये कहते हैं कि हमारे को क्रिमिनल में तो चाहिए IPC लेकिन वैसे चाहिए शरिया, तो क्या इनको हर जगह शरिया नहीं दे देना चाहिए? देखिए वही बात आती है, ये लोग संविधान को यहाँ पर नहीं मानना चाहते, ये संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। साहबानों प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था साहबानों के हक में, इन्होंने उस वक्त की सरकार को प्रेशराइज करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था, और जब अभी भारत सरकार ने CA लागू किया कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हिंदू सिख लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है अगर वो आते नागरिकता मिलेगी, इन लोगों ने साइन बाग किया, इन लोगों ने दिल्ली में दंगा करवाया, और जब जब भी कोई बात होती है ये लोग शरीयत को आगे ले आते हैं। आज समान नागरिक आचार संहिता की बात हो रही है, हम 80% हिंदू ये चाहते हैं कि देश में समान नागरिक आचार संहिता कानून लागू हो, 80% के जो अधिकार हैं वो भी बराबर कर दो, मगर ये 20% होकर भी उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है कि हमारी शरीयत चले, जमात-ए-उल्ला जो चाहता है वो करें या इनका वक्फ बोर्ड करे, ये देश के संविधान को यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है और बार बार संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं, मगर अब समय आ गया है कि देश चलेगा संविधान से, किसी शरीयत के कहने से, किसी मुल्ला के कहने से ये देश चलने वाला नहीं है। आप सब देखेंगे ये थोड़े दिन में मदनी जेल में मिलेंगे। अपनाते तरी तरीके प्रोपेगेंडे करके अभी मदनी जो है, दोनों चाचा और भतीजा दोनों व्यक्तियों ने, अरशद मदनी ने और महमूद मदनी ने एक विवादास्पद बयान दिया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए जो खेल खुलेआम दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में मुल्ला मौलियों इकट्ठे करके ये मदनी चाचा भतीजा कर रहे हैं, इनके जो चेहरे के ऊपर से जो नकाब था उतर गया है। हम बरसों से कहते आ रहे हैं कि कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है, लूटो मारो काटो, उनकी संपत्ति पे कब्जा करो, उनकी बहन बेटियों को लूटो, ऐसा करना तुम्हें तुम्हारे खुदा का आदेश है। अभी जो ये प्रोग्राम चल रहा था उसमें मुसलमान हिंदू की भाईचारे की बात की जा रही थी, और वहाँ पर हमारे कुछ संत भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो उस कारण से वहाँ पहुँच गए। संतों को बिठा करके बुला करके ये कहना कि ना राम हुए, ना कृष्ण हुए, ना ब्रह्मा हुए, ना महेश हुए, सिर्फ इस्लाम ही हुआ है
और इस्लाम से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, तो खुल्लम खुल्ला ये करोड़ों करोड़ों सनातन को हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का खुला खुला अपमान है। जो लोग खुलेआम हमारे सनातन का अपमान कर रहे हैं, जो लोग खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग UCCC का विरोध कर रहे हैं, CAA का विरोध कर रहे हैं, NCR का विरोध कर रहे हैं, वो लोग आज पूरे देश के हिंदुओं को भड़का करके, उनकी भावनाएं भड़का करके देश में हिंदू मुस्लिम राइट करवाना चाहते हैं। जो नए तरह का इतिहास लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है, क्योंकि परसेप्शन पे ही दुनिया चलती है, अब ये नया परसेप्शन बनाया जा रहा है कि इस्लाम की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरा संसार जानता है कि इस्लाम मात्र 1400 वर्ष पूर्व का इस्लाम है। अगर पहले का इस्लाम है तो ये मुल्ला मौलवी बताएं कि मोहम्मद साहब से पहले इनके कौन पीर पैगंबर थे, और हमारे प्रभु राम लगभग 17 लाख साल पहले हुए, मनु जी उससे पहले हुए, सृष्टि का निर्माण जब हुआ था। तो आज ये लोग हमारे ग्रंथों को, हमारी सनातन संस्कृति को गलत बता करके लोगों को पथभ्रष्ट करने का जहां एक और काम कर रहे हैं, वही खुलेआम देश के लोगों को भड़काने का भी काम कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम अगर एक थे तो भाई 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को 90 में रातों रात कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा था, ये लोग कहाँ थे? एक बयान और बहुत सनसनी की बात, जो मदनी वाला फिरका है, क्या ये धर्म की जो सभी 10 लक्षण है उनकी पूर्ति भी करता है इस्लामिस्टों के अंदर? ये मेरा सवाल है। देखिए, कोई धर्म नहीं है, ये सारे अधर्मी इकट्ठे होकर के, अगर ये धर्म होता तो तलवार की नोक के ऊपर लाखों लोगों को ना मारा जाता, ना लूटा जाता, ना हमारे मंदिर तोड़े जाते, ना गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, इतने ऐसे हमारे महानायक हुए हैं जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, बलिदान दिए। गुरु गोविंद के तो 4 बच्चों को इन्होंने जिंदा भी जलवाया और बलिदान भी दिए। आज जो लोग बात कर रहे हैं, ये जानबूझ करके ऐसा वातावरण बना रहे हैं। नूपुर शर्मा के मैटर पे यही मदनी थे जिन्होंने अरब कंट्री को भड़का करके हमारे देश के खिलाफ माहौल बनाने का साजिश रची थी। मुझे लगता है मदनी पहले कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं, तो ये लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कांग्रेस के साजिश के तहत ऐसा हो रहा हो, क्योंकि आज पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ रहा है, आज पूरे विश्व में सनातन का गौरव बढ़ रहा है, आज पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जय जयकार हो रही है। इसलिए शायद लगता है कि लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही, ये कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में हमारे देश की जो हिंदू मुस्लिम की बात एक करने की हो रही थी उसको तो छोड़ो, ये हमारे देश में जो आपसी भाईचारा है उसको तहस नहस करके, खंडित करके देश का जो सिस्टम है उसे खराब करना चाहते हैं। एक स्टेटमेंट पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो खास बात कही गई कि ओम और अल्लाह एक है। क्या सारा मुस्लिम समाज ये कहेगा आगे बढ़कर? क्या पूछना चाहिए सारे सेकुलर लोगों को, क्या मुस्लिम समाज ओम और अल्लाह को समान रख सकता है? सारे मुस्लिम फिरके भी एक होंगे मदनी? देखिए, अगर ओम और अल्लाह एक है तो भाई क्यों हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है? मातर मोहम्मद साहब पे छोटी सी टिप्पणी करने से सर तन से जुदा कर दिए गए। अगर वो एक है तो ऐसा क्यों होता है? और क्यों इतने मंदिर तोड़े गए? क्यों लाखों लोगों को जजिया कर लगाया गया? क्यों लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया? ये जो मोहम्मद गोरी, बाबर, औरंगजेब, अकबर, ये सारे कौन लोग थे? सारे सारे लुटेरे थे, इन्होंने आकर के हमारे देश के सनातन के ऊपर अटैक किए हैं, हमारे मंदिर तोड़े हैं, और इस वक्त जो ये लोग करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे देश को तोड़ने की साजिश की मुझे बू आ रही है। ये लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए जो बरसों बरसों प्राचीन हमारा इतिहास है उसको भी झुटलाने की, और हमारे खुलेआम हमारे देवी देवताओं का जो अपमान करने की, खुलेआम ये मंचों से लाखों की हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे करके कर रहे हैं। मुझे लगता है देश का हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम गृह मंत्री से
राज्यपाल से, पुलिस कमिश्नर से ज्ञापन दे करके ये मांग करने आए हैं कि ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को, संविधान विरोधियों को, जिन्होंने सीए के नाम के ऊपर शाहीन बाग बनाया, जिन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए, जो आए दिन कोई ना कोई बहाना हिंदुस्तान के मान और सम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को तत्काल रसूखा लगा के, एनएसए लगा के, राष्ट्रद्रोह लगा के गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं तो ये लोग किसी ना किसी बहाने से देश का जो माहौल है उसे खराब कर सकते हैं, देश में दंगे करवा सकते हैं। ये जो लोग वहाँ अल-तकिया के तहत पहुँचे थे, पॉलिटिकल इस्लाम में एक बहुत अच्छी थ्योरी और संकड़ा रास्ता है कि जब किसी से बात नहीं बने तो अल-तकिया करें। तो क्या जो धर्म संसद के नाम पर जितने भी लोग वहाँ पहुँचे, अनेकानेक पंथों के लोग, वो अल-तकिया में आ गए हैं क्या? देखिए, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ठीक है, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, जो जिए और जीने का रास्ता दिखाता है। हम लोग सनातनी लोग पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके शांति और भाईचारे की बात करते हैं। आज अगर कहीं पर भूकंप आता है तो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारी टीमें जा करके मानवता के नाते वहाँ सेवा कर रही हैं। कौन सा इस्लामिक कंट्री या कौन सा मुल्ला मौलवी वहाँ जाके तुर्की में खड़ा हुआ है? तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करके भारत के गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से ये मांग करने आए हैं, जितना जल्दी हो सकता है। इन्होंने जानबूझ करके हमारे मोहन भागवत जी का अपमान किया, इन्होंने जानबूझ करके हम शांति भाईचारे की बात करेंगे, संतों को बुलाया, उनको बुला करके उनका अपमान किया, पूरे संत समाज का अपमान किया, पूरे सनातनियों का अपमान किया। इसके लिए आज हम अपना ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करके ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए आए हैं। सर, मेरी कल मौलाना अस्तर से बात हुई, मौलाना मदनी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात को ही आगे बढ़ाया, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि ईश्वर अल्लाह एक है, और विरोध वो लोग कर रहे हैं जो ना ही ईश्वर को मानते हैं ना ही अल्लाह को मानते हैं। वो खासकर जैन मुनि को टारगेट कर रहे थे कि विरोध वही कर रहे हैं, और ना ही मैंने सनातन के खिलाफ ना ही कुछ बोला, ना ही मैंने अल्लाह के खिलाफ कुछ बोला। तो ये वो लोग हैं जो ना ही ईश्वर को मानते हैं ना ही अल्लाह को मानते हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये लोग हमारे जो सनातन धर्म की शाखाएं हैं, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे जैन मत है, ये सारे के सारे सनातन धर्म का ही पार्ट हैं। ये एक बहुत गहरी साजिश के तहत हमारे को आपस में ही लड़वाने की साजिश रख रही हैं। सारे तीर्थंकर हमारे अपने हुए हैं, हम सब जैनी हैं, हम सब वैष्णव हैं, और ये लोग इन चीज़ों को घुमा घुमा के बात कर रहे हैं। ये तो कहते कुरान ही थी, ये तो अल्लाह ही था, न राम थे ही नहीं, विष्णु थे ही नहीं, ब्रह्मा थे ही नहीं, तो कौन था? 1400 वर्ष से पूर्व मोहम्मद साहब से पहले कौन था? कोई मुसलमान मुल्ला मौलवी आके दुनिया को बताए तो सही। पूरी दुनिया का इसमें इतिहास है कि 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम आया, और इस्लाम धीरे धीरे क्रंता हिंदुस्तान में आए, तलवार की बल के ऊपर, तलवार की नोक के ऊपर हिंदुस्तान को ना सिर्फ लूटा, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे लोगों के कत्लेआम किए गए, जबरदस्ती तलवार की धर्म परिवर्तन करवाए गए। जो काम उस वक्त वहाँ हो रहा था, वो काम आज भी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो काम आज भी पाकिस्तान में हमारी बहन बेटियों में 13-13 साल की बच्चियों को जबरदस्ती निकाह किए करवाए जा रहे हैं, उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार किए जा रहे हैं। तो आज ये काम जो पहले हिंदुस्तान में था, आज वहां भी हो रहा है। ये लोग देश की शांति और भाईचारा जो बढ़ रहा है, जो देश आगे बढ़ रहा है, मेरा भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, मेरा भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, उससे परेशान होकर के देश में कोई ना कोई बहाना लगा करके देश की एकता और अखंडता के साथ ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये मोदी सरकार 2024 में दोबारे ना आ जाए, ऐसा भी वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है जिस तरह आज पूरे विश्व में मेरे देश का, मेरे देश के प्रधानमंत्री का मान और सम्मान बढ़ रहा है, दुनिया की कोई ताकत बढ़ते हुए भारत को अब रोक नहीं पाएगी, और भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसे लोग बिहाइंड द बार होंगे, ऐसा हमारा मानना है। मुल्ला मदनी होश में आओ, मदनियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, देश को तोड़ने वाले मदनियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मदनी राष्ट्रद्रोही है, मदनी राष्ट्रद्रोही है, मोहन भागवत जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मोहन भागवत जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।